नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी वीर बाल दिवस पर, अयोध्या में मोदी के रोड शो पर, नोएडा में बनने वाली साइबर फोरेंसिक लैब पर और अंत में बात होगी बॉक्सिंग डे टेस्ट के इतिहास पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। वीर बाल दिवस आज यानी 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर माथे पर धारण कर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में आसीन कराया। इस अवसर पर सीएम आवास में गुरुवाणी, अरदास एवं लंगर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी को प्रदेश भर से आए सिख प्रतिनिधियों की ओर से सिरोपा भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित करते हुए उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चार चार पुत्र देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी के होने वाले रोड शो का रूट तय हो गया है। मोदी 30 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट से लता चौक होकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे। रोड शो के इस पूरे रास्ते को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 27 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। एसपीजी के डीजे आलोक कुमार शर्मा भी अपनी टीम के साथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम की विजिट को लेकर सुरक्षा और सुंदरता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पूरे मार्ग को फूलों से सजाने के लिए अयोध्या सहित आसपास के कई जिलों की नर्सरी से फूल के पौधे मंगाए गए हैं। धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ के साथ सात घोड़ों पर सवार सूर्य देव को लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में साइबर फोरेंसिक लैब का निर्माण किया जाएगा। इसकी तैयारी नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने शुरू कर दी है। लैब बन जाने से नोएडा में साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग, फ्रॉड की घटनाएं की जांच तेजी से हो सकेगी। इसके जरिए गलत मंशा के साथ किसी महिला का वीडियो वायरल करने पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इस लैब के बनने के बाद डीप फेक से जुड़े केस की जांच के लिए भी पुलिस अब और तैयार हो सकेगी। तेजी से बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं के बीच नोएडा पुलिस के पास अभी तक जांच के पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन अब पुलिस साइबर क्राइम से जुड़ी नई चुनौतियों का भी सामना कर सकेगी। 12,460 सहायक शिक्षा भर्ती के अवशेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को सूबे के 51 बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि चयनितों की सूची वेबसाइट पर 27 दिसंबर तक अपलोड कर दी जाए, ताकि भर्ती में बचे 6,470 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। उन्होंने अभिलेखों की जांच के बाद 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दिया है। 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 6,470 पदों पर नियुक्ति के लिए कोर्ट के आदेश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी किया गया है। अंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें 27 दिसंबर तक NIC के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। KDA यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के सीमा विस्तारण में कानपुर नगर व देहात के 84 गांवों की 20,588.40 हेक्टेयर जमीन को शामिल किया है। यहां आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और शिक्षण संस्थान विकसित करने की तैयारी है। इससे विकास के साथ ही रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। इसको लेकर विकास प्राधिकरण योजना लाने के लिए जमीन की खोज जारी है। KDA के 139वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। बिल्हौर तहसील के 40 गांवों को सीमा विस्तार में शामिल किया गया है। इन गांवों से रिंग रोड का प्रथम फेज गुजर रहा है। रिंग रोड के दोनों ओर के क्षेत्र का विकास होगा। यहां विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक, उच्च शिक्षण संस्थान विकसित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई है। वहीं मुख्य अतिथि AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम भी मौजूद रहे। बतौर विशिष्ट अतिथि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल शामिल भी रहे। इस दीक्षांत समारोह में 95 छात्रों को मेडल दिए गए। वहीं PhD पाने वाले 112 अभ्यर्थियों में पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी भी शामिल थे। कुल 49,452 स्टूडेंट को इस दीक्षांत समारोह में डिग्री दी गई है। साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप की श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन पूजन के इच्छुक लोगों के लिए BJP सहारा बनेगी। देश भर की 545 लोकसभा सीटों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद ये लोग अपने अपने शहरों के लिए वापस लौटेंगे।
इस दौरान उन्हें बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, क्या स्वरूप कल था और आज क्या हो चुका है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर क्या होने वाला है। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों का दर्शन पूजन पूरा कराया जाना तय किया गया है। शिव की नगरी काशी शिव भक्तों से इन दिनों गुलजार है। बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला अनवरत जारी है। 48 घंटे में 7,35,000 श्रद्धालुओं ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला पिछले 4 दिनों से अनवरत जारी है। सोमवार को बाबा दरबार से गंगा के तट तक श्रद्धालु का रेला भी नजर आ रहा था। गंगा स्नान करके श्रद्धालु बाबा दरबार में दर्शन के लिए कतारबद्ध हो रहे थे। मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। शयन आरती तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। मंगला आरती के बाद से शुरू हुआ दर्शन पूजन का सिलसिला अनवरत चलता रहा। 26 दिसंबर यानी आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जा रहा है। दोनों मैच क्रिसमस के अगले दिन यानी आज ही खेले जा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों मैचों को बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहा जा रहा है। दरअसल बॉक्सिंग डे टेस्ट वो मैच है जो हर साल 26 दिसंबर को यानी क्रिसमस के अगले दिन खेला जाता है। आमतौर पर मेलबर्न हर साल बॉक्सिंग डे टेस्ट की मेजबानी करता है, लेकिन अब ये दिन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे वो इस दिन को मनाते हैं। सबसे पहले ये मेलबर्न में मनाया जाता था, बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई अन्य देश भी मनाने लगे हैं। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तर्ज पर होंगे। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय चयन पोर्टल बनाए गए हैं। इस पोर्टल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, AMU सहित देश के 40 विश्वविद्यालय जुड़े हैं। पोर्टल पर न केवल विश्वविद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्ती का विवरण मिलेगा बल्कि एक क्लिक पर आसानी से आवेदन भी किया जा सकेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पहले CU चयन पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनानी होगी जिसमें अभ्यर्थी को सभी एकेडमिक जानकारी होगी। इस प्रोफाइल के जरिए अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदन स्थल का विकल्प आएगा जिसके बाद आगे की प्रक्रिया की जा सकेगी। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।